चलो अभी हमारा प्रोग्राम है ये फाइंड दी सेकंड मैक्सिमम इन एरे। ऐसे यहाँ तो बताया है ठीक है कि ये एरे की वैल्यूज़ है, इनमें सबसे बड़ा नंबर जो है 30 है, सेकंड नंबर है 27। तो फाइंड कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है? ठीक है, सपोज सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मैक्सिमम में वैल्यू दोगे, आपका जो एरे ऑफ जीरो है वो पहले वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या है 14। अब अगला नंबर जो है इसमें देखेंगे क्या करेंगे, मैक्स वन वेरिएबल लेंगे और मैक्स टू वेरिएबल लेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या करेंगे, मैक्स वन में और मैक्स टू में हम दोनों डाल देंगे ये सेम वैल्यू। ठीक है, दोनों में सेम आएगा, मैक्स वन एंड मैक्स टू। ठीक है, अब क्या है, नया नंबर आया सपोज 12। तो अगर 12 इससे बड़ा है 14 से तो है क्या? नहीं है। अब 13 बड़ा है क्या? नहीं है। 30 बड़ा है ना, 30 बड़ा है तो क्या करेंगे, राइट? हम 30 बड़ा है तो ऐसा करेंगे, तो मैक्स वन में 30 डाल देंगे, राइट? और फिर जो मैक्स वन वाला है इसमें चला, दोनों सेम ही है। अब 19 30 से बड़ा है क्या? नहीं। लेकिन फिर चेक करेंगे, 19 30 से बड़ा नहीं लेकिन इससे 14 से बड़ा है क्या? हाँ, तो 19 को इधर ला देंगे। फिर आया 25 इससे बड़ा है क्या? नहीं, लेकिन 25 19 से बड़ा है, 25 यहाँ ला देंगे। 16 इससे बड़ा है क्या? नहीं, इससे बड़ा है क्या? नहीं। 27 इससे बड़ा है क्या? नहीं, इससे बड़ा है, हाँ इधर ला देंगे। अब 20 इससे बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा है, नहीं। 12, तो ये दोनों हमारे फाइंड हो रहे हैं। इस तरह से हमारा लॉजिक जनरली होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कोडिंग में वो देखते हैं, चलो। ठीक है, तो अभी हमने पहले यहाँ पे जो हमारे वही नंबर, हमने इसको वैल्यू प्रिंट करा लिए है। ठीक है, वैल्यूज आर दिस, राइट, जो हमने लिए थे वो वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। तो ये वही के वही वैल्यू हैं जो अभी हमने देखा है, ठीक है ना। अब यहाँ लॉजिक लिखेंगे मैक्स वन और मैक्स टू के लिए। मैक्स वन इज इक्वल टू मैक्स टू इज इक्वल टू एरे ऑफ जीरो, दोनों में वही वाले इनिशियल वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि दोनों इनिशियल वैल्यू कर देंगे। अब यहाँ लॉजिक लिख देंगे, ठीक है, दोनों में हमारी वैल्यू आ गई। अब लूप चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे नई वाली वैल्यू जो इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स वन, अगर है तो क्या, मैक्स वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई और मैक्स टू इज इक्वल टू, सॉरी पहले मैक्स टू में डाल देंगे ए मैक्स वन और फिर मैक्स वन में डाल देंगे ए ऑफ आई, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मैक्स टू में चली जाए। ठीक है, अब नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या ए ऑफ आई क्या मैक्स टू से बड़ा है क्या? अगर मैक्स टू से बड़ा है तो क्या, तो मैक्स टू इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ये सिचुएशन ऐसे आ सकता है कि मैक्स वन से बड़ा नहीं है लेकिन मैक्स टू से बड़ा है, तो उस केस में ये करेंगे, बस हो गया पूरा लॉजिक ख़त्म। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ दी फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू एस परसेंटेज डी, राइट, मैक्स वन एंड द सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्स टू। अब हमने देखा यहाँ पे प्रोग्राम में हमारा 30 और 27 आना चाहिए, ठीक है, लेट अस चेक वही यहाँ आ रहा है कि नहीं। रन करते हैं, देखो 30 और 27 आ गया, राइट। अगर वैल्यू चेंज करके देखते हैं, लेट अस ट्राई हियर 40, तो 40 और 30 आना चाहिए, देखो 40 और 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैक्स वन मैक्स टू का हमने किया। अब हमको खाली मैक्स वन नहीं मैक्स टू ही प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ प्रिंटिंग में हटा दो, रिमूव दिस फ्रॉम प्रिंटिंग, नाउ यू प्रिंटेड द मैक्सिमम टू, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 27, राइट, इस तरह से। और कोई क्वेश्चन है सर? को थोड़ा लूप में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लूप के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जितनी